सो गाइस अभी हम बना रहे हैं कान्हा जी की फेवरेट धनिया पंजीरी जो उनकी बहुत पंचमेवे और ये उनके पंचमेवे इनको अच्छे से अब हम फ्राई कर लेंगे हमने इनको और अभी ये रोस्ट हो चुके हैं और मम्मी अब इनको डालेगी इसमें अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर कोऑर्डिनेटर आप चाहे तो इसको घर में लाके पीस भी सकते हैं। हाँ आप इसको घर में लाके पीस भी सकते हो अगर आप चाहते हो तो इसको 1 से 1.5 मिनट अभी हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे फिर हम इसको गैस को बंद कर देंगे। हाँ हल्के से घी में हमने फ्राई कर लिया है हमने इसको भी हल्के से घी में फ्राई कर लिया है भून लिया है देखो तो अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो गैस अभी इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है अब हम डालेंगे इसके अंदर इलायची डाल दी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इससे मतलब टेस्ट अच्छा आएगा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इससे फ्लेवर अच्छा आएगा अभी हमारा धनिया पाउडर भून के तैयार हो चुका है अब हम इसके अंदर डालेंगे बूरा ताकि इसके अंदर मिठास आ जाए और जिस जिसको बनाना है वो इस वीडियो को देख के ज़रूर बना सकता है जो गाँठे हैं सो गाइस अभी जो बूरा की गाँठे हैं उनको अब अच्छे से मतलब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से तोड़ के उनको तो ताकि ये अच्छा इसके अंदर टेस्ट आ जाए मतलब ये बूरा मिलाओ तो ये ध्यान रखना कि ये ठंडा हो और जब ये बूरा मिलाओ तो ये ध्यान ज़रूर रखना कि मतलब जो पाउडर है वो ठंडा रहे ठंडा हो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब हम इसके अंदर डालेंगे भुने हुए सारे के सारे मेवे तो गाइस अभी हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है और अब आप लोग देखना हम इसको कैसे कैसे तैयार मतलब डेकोरेट करते हैं सब हमने इसमें ऊपर सारे में भी डाल दिए तो गाइस अभी डेकोरेट करेंगे तो गाइस अभी हम पंजीरी को अच्छे से डेकोरेट करेंगे हम आपको अब तैयार होने के बाद दिखाते हैं अभी हमने डेकोरेट कर दी है पंजीरी देखो